एग्जाम्पल नंबर हमारे पास बन क्या है, कंसिडर अ सिक्वेंस, कंसिडर अ सिक्वेंस लाइक ए के इज इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टोरियल के ऑफ रियल नंबर। ओके, तुमने रियल नेसेस पढ़ चुके, तो इसमें मैं सिक्वेंस सिक्वेंस डिफाइन करने की बताने की जरूरत है नहीं, तुम खुद पता कर लेना और बताई होगा। क्लियर? फाइन PGF means probability generated function of this sequence. And सोल्यूशन बताओ क्या होगा। सॉल्व कर लोगे? कोई बताओ, एक बच्चा कर पाओगे? इसका मतलब मेरा पढ़ाए हुए समझ में कि नहीं आ रहा है, मैं ये मान लूं? कुछ तो बोलो, ऐसे क्लास में बैठने से कुछ फायदा नहीं, कुछ बोलो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बताओगे तुम ही लोग, सर समझ में नहीं आया मुझे, कैसे इसका निकालना है या फिर कैसे निकालेंगे। कुछ तो थे लास्ट क्लास में, किस बाकी सब गायब थे। ठीक है, मैं कुछ मैंने दो टर्म चीज बता दी तुम लोग, दो कॉन्सेप्ट। एक तो बताया था जनरेटिंग फंक्शन, ओके, हाउ टू डिफाइन जनरेटिव फंक्शन, ए एस इज इक्वल टू सम ओवर ए के एस टू द पावर के, वेयर ए के इज द सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर। एक तो ये कॉन्सेप्ट बनाया था, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन। एक हमने बताया था पीजीएफ का, प्रोबेबिलिटी जनरेटिव। पीजीएफ क्या था? पी एस इज इक्वल टू सम ओवर प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के एस टू द पावर के, के गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी इन बोथ केसेस। ओके, तो कभी भी अगर हम यहाँ पे दो चीज क्या सीख सकते हैं, इसके लिए तो हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर द सिक्वेंस ऑफ ए के, कोई भी एक सिक्वेंस चाहिए ए के, रियल सिक्वेंस, रियल नंबर ऑफ सिक्वेंस, तब देन वी आर कैपेबल टू ऑब्टेन द जनरेटिव फंक्शन ऑफ द गिवन सिक्वेंस। बट इन अ पीजीएफ वी हैव टू रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। दोनों डिफरेंस देखो, जनरेटिव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी जनरेटिव, दोनों डिफरेंस देखो। यहाँ पे हमें ए के में क्या चाहिए, एक सिक्वेंस चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एक प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पीजीएफ के लिए भी रिक्वायर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और जनरेटिंग फंक्शन के लिए भी रिक्वायर सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है, कि प्रोबेबिलिटी वो सिक्वेंस गिवन है। तो ये पीजीएफ वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट गिवन अ पीजीएफ, ओनली हमारे पास रहेगा जनरेटिंग फंक्शन, क्योंकि हम सिक्वेंस के थ्रू निकाल रहे हैं, नॉट अ प्रोबेबिलिटी के थ्रू। क्लियर हुआ था?
आप लोग इतना परेशान मत हो, दोनों चीजों में सीखो, इसका मतलब घर पे पढ़ो थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, जनरेटिंग फंक्शन नॉट अ प्रोबेबिलिटी, जनरेटिंग फंक्शन, पहले डिफरेंस ही नहीं सीख पाओगे तो फिर आगे कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? ओके, तो द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ दिस सॉरी ऑफ दिस सीक्वेंस ए के इज इक्वल टू 1/(factorial) के। तो सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट राइट द ए एस फंक्शन जो कि हम जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, इज के गोज टू 0 to ∞ ए के एस टू द पावर के, बट वी हैव द वैल्यू ऑफ ए के एज अ 1/(factorial) के, तो पुट इन दिस एयर, तो सम ओवर के गोज टू 0 to ∞ 1/(factorial) के एस टू द पावर के, दिस सीरीज विल बी आप तो आंसर कर दो, कौन सी सीरीज है? कौन सी सीरीज है ये? क्या हो गया, सब कहाँ गायब हो गए? किसी को नहीं पता है? इट्स इक्वल, हाँ गुड, ई टू द पावर एस, इट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ गिवन रियल सीक्वेंस नंबर क्या आ जाएगा, ई टू द पावर एस आ जाएगा। क्लियर? ओके, यहां तक डाउट नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लेट एक्स गिवन इज द यूनिफॉर्म ए बी, ओके, फाइंड पी जी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, अब देखो अब यहां पे पीजीएफ क्यों सही है, क्योंकि यहां पे x इज द फॉलो द सम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके, तो यहां पे ही मत कहना यहां पे भी जनरेटिंग फंक्शन है, क्योंकि यहां पे सीक्वेंस नहीं गिवन है, हियर वी गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर पीजीएफ भी बोल सकते हो, तो x इसको फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0-1 का, अब कैसे निकालोगे? तो फर्स्ट वी राइट द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम पी एस ऑब्टेन करेंगे, पी एस की वैल्यू क्या होती है, पी एस इज द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, इट इज इक्वल टू सम ओवर के गोज टू 0 to ∞, ओके, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एस टू द पावर के।
ओके अब देखो यहां पे इसके लिए पी एक्स इजिकल टू के इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के इजिकल टू क्या होता है, वन अपॉन बी माइनस के ए, के बिलोंग टू ए माइनस के बी, क्लियर। प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के इजिकल टू वन अपॉन बी माइनस के ए, के बिलोंग टू ए कॉमा बी इंटरवल, यही इसका पीडीएफ होता है। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़ें। अब सेम चीज़ है, पी एक्स के की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो ये पी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट वन अपॉन बी माइनस के ए एस टू द पावर के, सॉरी इट इज द एस, एस टू द पावर के। अब यहाँ पे ये बताओ लिमिट इन्फाइनाइट ही रहेगी, लिमिट क्या होनी चाहिए, हाँ तो लिमिट शुड बी के गोज टू ए टू बी वन अपॉन बी माइनस के ए एस टू द पावर के, ठीक है यहां तक। क्लियरली आप सॉल्व कर लोगे, आगे सॉल्व कर लोगे, कोई तो बता दो मुझे नहीं करना, तुम लोग कुछ कह बिल्कुल निल हो गए पढ़ने में, इतना इतना क्यों आराम फरमा रहे हो, शुरुआत है, शुरुआत से मतलब थोड़ी होता है, ये तो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, ये तो तुम लोगों को आना चाहिए। इस तरीके की लिमिट लगाना किसी को आता है, कैसे हैंडल करते हैं, कुछ यूनिक लिमिट है किसी बच्चे ने पढ़ाया आज तक, अब बोले सर आप हैं तो हम क्यों पढ़ें। चलो हम तुम लोगों को टास्क देते हैं, आज जाके इंटरमीडिएट सभी ने किया और सबने 90% से अबव किया हुआ है, डीयू में जितने बच्चे आते सब 90 से अबव होते हैं ना, सबके लिए एक टास्क है इसको सॉल्व करना, आई विल गिव द आंसर, मैं तुम लोगों को आंसर देता हूँ इसका, सिर्फ सॉल्व करके लाओगे तुम लोग, एस टू द पावर ए एस, ओके एस टू द पावर ए, सॉरी मैं क्वेश्चन लिखने लगा, मैं सोल्यूशन नहीं दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे 90% पास हैं तो पढ़ते भी हैं। डेफिनेटली अगर नहीं होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम कम से कम घर जाके कुछ देखोगे सही, इसका आंसर आएगा एस टू दी पावर ए माइनस एस टू दी पावर बी माइनस ए प्लस वन अपॉन वन माइनस के एस बी माइनस के ए। किसी को समीशन की रेंज निकालना आता हो तो वो कर पाएगा, कुछ नहीं करना है, इसकी रेंज के टू जीरो और b माइनस ए ऊपर बनाना, वो फंक्शन लेके बनाते हैं, तुम लोग बना के लाना, इट इज फाइनल आंसर ऑफ दिस सीरीज।
कौन सा रिजल्ट? बेटा वो वीडियो में देख लेना, जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें देख लेना, ठीक है? मैं वीडियो दे दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? तो उसमें देख लेना, थोड़ा ही तो बताया था मैं, देख लेना। अगर अभी लिखना तो अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डोंट इशू। ये रिजल्ट 7 है, देख लो, लिख लो जिसको लिखना है। मैं एक मिनट रुक जाता हूँ। हो गया ना? ओके, ठीक है। अब देखो, सपोज हम एक ये सीरीज करके लाना, छोड़ना मत प्लीज, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ जाता, नहीं होता ना तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बोल देना, मैं कर दूंगा। अगर सपोज यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू आपके पास यूनिफॉर्म 01 होता है, क्या होता है, ए बी की हमने वैल्यू दे दी है, मोस्टली हम यही डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हैं, एक्स हैज द यूनिफॉर्म 01। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो ये सीरीज बनती, ये जो पी एस होता है, ये क्या होता, 1 - s² / 1 + s, एम आई राइट ना? हाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 - s² - 1 - s होगा, यहाँ पे क्या होगा नीचे, क्योंकि 1 - s। ओके, अब देखो ऊपर को 1 - s, 1 + s लिख सकते हो, तो इट इज इक्वल टू 1 + s। ओके, तो फॉर दिस PDF द PS इज इक्वल टू 1 + s। ओके, अब देखो अगर इसके लिए तुमसे एक्सपेक्टेशन पूछा, तो एक्सपेक्टेशन क्या होगा इसके लिए, अगर इसके मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो निकाल सकते हो ना आप इस एक्सपेक्टेशन, बता, हाँ ऐसे वेरिएंस निकाल सकते हो। गुड, तो ऐसे यही चीजें मोस्टली इसको इस जो चैप्टर में है तुम्हारे एक्सरसाइज में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी जनरेटेड फंक्शन गिवन है तो कैसे निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी जनरेटेड फंक्शन जब किसी पीडीएफ गिवन है तो उसे पीजीएफ कैसे निकालेंगे, पीजीएफ के थ्रू मीन एंड वेरियंस कैसे निकालेंगे। ओके, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इसके बाद, एग्जाम्पल नंबर 3। लेट एक्स हैज द B1P, फाइंड PGF ऑफ एक्स। ये तो कर पाओगे ना, इसमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन इसको भी बताएंगे हम, क्या कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। गुड, इट्स अ बर्नौली
तो बर्नौली का सबको पी एक्स इजिकल टू के पता ही होगा, बताओ कौन बताओ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या हो गया पीएमएफ कौन बताएगा? सॉरी यू आर नॉट ऑडिबल। पी पी की पावर के, आई थिंक इट इज राइट के, हाँ हाँ के लिख सकते हो, कोई नहीं के कर लेना ना, मुझे याद नहीं है बता देना एक बार, अगर गलत लिख रहा हूँ तो इसको मिटा ही देता हूँ। हाँ गुड, सब बच्चे टैलेंटेड हो गए अब। पी की पावर के, क्यू की पावर वन माइनस के, के के गोज टू जीरो टू वन, ओके। तो सिमिलरली इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, देखो बुक में ऐसे भी लिखा होता है, तो मैं एक ऐसे पी एक्स इजिकल टू वन देन इट बी रिड्यूस टू, इट मीन्स के इजिकल टू वन, क्या जाएगा इट्स अ पी, फोर के इजिकल टू जीरो इट्स अ क्यू, ठीक है। तो सिंपली अगर हम पी एस की बात करें प्रोबेबिलिटी जनरेटर, तो पी एस क्या होता है हमारे पास, समीशन के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के एंड एस टू द पावर के, क्लियर। अब देखो यहां पे हमारे पास के की तो ओनली दो वैल्यू, तो के कहां से रन करेगा, जीरो एंड वन, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के इंटू एस टू दी पावर के। प्लीज अपने माइक को ऑफ कर लो, कुछ क्वेश्चन पूछना है तभी ऑन करना, ठीक है, उसमें डिस्टर्बेंस थोड़ी हो जाती है। कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो, तो ऑन कर सकते हो। अब देखो जब के इजिकल टू जीरो होगा, पुट के समीशन को ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी के इज एक्स इजिकल टू जीरो एस टू दी पावर जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू वन एस। तो ये हमारे पास एक्स इजिकल टू जीरो दैट इट विल बी अ क्यू, इट विल बी अ वन एंड दिस इज द पी और दिस इज द एस, तो इट विल बी अ पी एस, यानी कि प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अगेन इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इट्स अ पी डैस वन, इट मीन्स एक बार इसको डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू एस और एस को वन रख दो, तो क्या जाएगा ये, गुड, पी होगा। ऐसे सेम पी डबल डैश भी निकाल पाओगे, जीरो, गुड। तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश वन प्लस पी डैश वन और माइनस के पी डैश का वन का होल स्क्वायर, ओके। लास्ट क्लास में हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये जीरो है, दिस विल बी अ पी माइनस के पी स्क्वायर, पी टेक एज अ कॉमन वन माइनस के पी, तो वेरियंस विल बी अ पी क्यू। तो एक्सपेक्टेशन पी होता है, वेरियंस पी क्यू होता है, तो हमने ये किसके थ्रू निकाले हम, पीजीएफ के थ्रू।
ओके अगर यहीं पे हमने अभी बर्नौली की बात की थी, इफ वी टॉक अबाउट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट विल बी द पीजीएफ? अगर हम बायनोमियल की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बायनोमियल क्या होता है? इट्स द जनरलाइजेशन ऑफ द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स फॉलोज द बायनोमियल, तो प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के इजिकल टू क्या हो जाएगा? एन के पी की पावर के क्यू की पावर एन माइनस के पी एस क्या होगा? वेरीफाई इट, वेरीफाई करो। आप सोच रहे हो सर आपने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया? एक्चुअली एम एक्स टी क्या होता है इसका? एम एक्स टी किसको याद है? एम एक्स टी ऑफ बायनोमियल, इसका एम एक्स टी फंक्शन क्या होता है? क्यू प्लस पी ई टू दी पावर टी की पावर एन, है ना? क्यू प्लस पी की पावर टी की पावर होल पावर एन, यही होता है ना? अब देखो जब हम एम एक्स टी निकालते हैं, वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एम एक्स टी, इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, बट इन अ पी एस एक्सपेक्टेशन ऑफ एस की पावर एक्स। तो ई की पावर टी को हम किस से रिप्लेस कर रहे हैं? सिर्फ ओनली एस से। क्लियर हुआ ये चीज? जहां ई की पावर टी दिखता है उसको हम एस से रिप्लेस कर दोगे तो एम एक्स टी विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन। तो हमने देखो वही क्या हुआ है, इसमें ई की पावर टी को बी विल रिप्लेस बाय एस, सो यू विल गेट अ प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, एक्स फॉलोज द बाइनोमियल एन पी। ठीक है, क्लियर? वही सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हो और करना चाहो तो। अब हमारे पास पी एस की वैल्यू क्या आई है? पी एस इजिकल टू क्यू प्लस पी एस टू दी पावर एन, तो पी डैश वन इजिकल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ये होता है। अब पी डैश वन निकालो तो क्या जाएगा? इट विल बी अ एन पी, क्योंकि एक n डेरिवेटिव करोगे तो एक n बाहर आ जाएगा और p इसके साथ करोगे अगेन तो p यहाँ से, तो एन पी आ जाएगा तुम्हारे पास इसका एक डेरिवेटिव। पुट एस इजिकल टू वन, तो p प्लस क्यू की पावर वन करके बताऊं क्या? डी बटे डी एस पी एस, ओके, इट इज इक्वल टू p डैस s, इट इज इक्वल टू P dash 1 is equal to expectation of x, यही होता ना? तो पूरा प्रोसीजर हमने डायरेक्ट यहाँ P dash 1 is equal to expect x लिखा था। अब तुम देखो हमारे पास P dash ये है, तो इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? n q plus ps की पावर n minus 1, अगेन इसको करोगे तो into p, put s is equal to 1, तो n q plus p की पावर n minus के 1 into p। We know P plus Q is always equal to 1. तो 1 to the power n minus 1 is always 1. So it will be a NP. Clearly, ऐसे P dash double dash 1 निकाल लोगे तो उससे तुम वेरियंस भी फाइंड कर लोगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज NP, कॉमा वेरियंस ऑफ x इज इक्वल टू NP Q. आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। ओके आगे बढ़ते हैं, वी डू नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर
4, x follows the Poisson lambda. Okay, x follows the Poisson lambda. Find PGF of x. Solution. अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल टू के क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर के अपॉन फैक्टोरियल के, के गोज टू जीरो टू इन्फिनिट. ओके, वेयर लैम्डा आल्सो ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, अगेन वही पी एस हमारे पास क्या होता है, पी एस इज इक्वल टू सम ओवर के गोज टू जीरो टू इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के इन टू एस टू द पावर के. तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो सम ओवर के गोज टू जीरो टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर के अपॉन फैक्टोरियल के इन टू एस टू द पावर के. ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इट इज अ कॉन्स्टेंट, तो सम के बाहर आ जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, सम ओवर के गोज टू जीरो टू इन्फाइनाइट लैम्डा एस बोथ पावर के अपॉन फैक्टोरियल के. क्लियर? अब देखो अगेन इट इज एक्सपोनेंशियल सीरीज, तो इट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा और ई टू द पावर लैम्डा एस. ओके, ई टू द माइनस लैम्डा ई टू द पावर लैम्डा एस, क्योंकि ये पूरी एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगी. सो पी एस इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा और ई टू द पावर लैम्डा एस. ये इसे फाइनल करोगे तो लैम्डा एस माइनस के वन. एम आई राइट? तो फाइनल इट इज द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल e टू द पावर लैम्डा एस माइनस वन इज द पीजीएफ ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, वेयर एक्स फॉलोज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सेम थिंग, अगर हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डैश वन. ये हम बार बार नहीं समझाएंगे पी डैश वन क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव करो और पुट एस इज इक्वल टू वन. तो एक बार डेरिवेटिव करो, ये क्या जाएगा लैम्डा. सेम अगर पी डबल डैश एस करोगे, सॉरी वन रख दोगे एस के लिए, तो ये क्या जाएगा इसको अगेन एक बार डेरिवेटिव कर दोगे ना, तो लैम्डा स्क्वायर और पुट एस इज इक्वल टू वन, तो वो सम फिर वन हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. सो वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश वन प्लस पी डैश वन माइनस के पी डैश वन का होल स्क्वायर. ओके, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर, दैट इज कैंसल आउट, सो रिमेन्स इज ओनली लैम्डा. सो वेरियंस ऑफ एक्स इज ऑल्सो लैम्डा. तो पॉइजन का मीन इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स. तो बी रिजल्ट फाइंड आउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ एक्स इन केस एक्स फॉलोज द पॉइजन लैम्डा.
okay. क्लियर यहां तक? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 5. एक्स फॉलो इज द ज्योमेट्रिक पी. फाइंड पीजीएफ ऑफ एक्स. सोल्यूशन की बात करते हैं हम. अब इस केस में पी एक्स इज इक्वल टू के, पी क्यू की पावर के, ओके वही के गोज टू, के कहां से आता है, 0, 1, 2, ... एंड सो ऑन. क्लियर हुआ? सो नाउ PS is equal to sum over k goes to 0 to infinite probability x is equal to k into s to the power k. So इसकी वैल्यू हमारे पास p q की पावर k है, तो put here तो sum k goes to 0 to infinite p q की पावर k into s to the power k. क्लियर? अब देखो p बाहर आ जाएगा बिकॉज p इज अ कॉन्स्टेंट, तो k गोज टू 0 टू इनफाइनाइट q s टू द पावर k. ओपन दिस सीरीज, तो p बाहर आ जाएगा 1 qs का होल स्क्वायर qs का होल q प्लस एंड सो ऑन. दिस सीरीज विल बी ये तो पता होगा सभी को. गुड. p अपॉन 1 माइनस के क्यू एस, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस सीरीज. ओके तो फाइनली ps ऑफ अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन p अपॉन 1 माइनस के क्यू एस. सो नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू p डैश 1 is equal to derivative कर पाओगे ना इसका, तो क्या हो गया इसका, तो बहुत आसान है. मैं डायरेक्ट लिख दूं, डेरिवेटिव करूं पूरा. अगर तुम लोग अपनी कॉपी भी कर रहे हो तो देखो ये किसी का आ रहा है क्या. ठीक है ना, ऐसे अगर p डबल डैश, ये p, तो p डबल डैश 1 ऑप्टेन करोगे तो यू विल गेट 2 क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि अगेन इसको डेरिवेट करोगे ना तो अगेन पी ऊपर जाएगा एक और, तो टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. इट मीन्स वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश 1 प्लस पी डैश 1 माइनस पी डैश 1 का होल स्क्वायर. ओके तो इसकी वैल्यू हमारे पास सबकी रख दो, टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. ओके तो फाइनली ये सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्यू अपॉन पी स्क्वायर. एक बार वेरीफाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख दिया q
कि आ रहा q अपॉन p स्क्वायर वेरियंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ज्योमेट्रिक, जब x हमारे पास, एक चीज मैं याद आ गया, x है इज द ज्योमेट्रिक पी, ओके, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी पी, ओके। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कितने बच्चों को याद है, हाँ, लैक ऑफ मेमोरी, कराने की जरूरत है कि तुम लोगों को याद है, सबको करा दूं मैं कि याद रहेगा। बता देता हूँ, ठीक है, नथिंग एल्स। ये दो, एक डिस्क्रीट केस में सिर्फ एक ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इट हैज द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी, यानी इट्स फॉलोज द मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। ये होता क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू एस प्लस आर, ओके, कॉमा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस, क्लियरली, अपॉन प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस, क्लियरली। एक्चुअली ये हो क्या गया, अगर इसको हम लिखना चाहो तो तुम कैसे लिखोगे, इट्स अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको ऐसे यहां पे लिख दें, प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू एस प्लस आर गिवेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो दिस इज ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म, प्रोबेबिलिटी ए गिवेन बी, मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा, प्रोबेबिलिटी ए गिवेन बी इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तुमने जॉइंट लिखी, जॉइंट मीन्स इंटरसेक्शन ही होता है प्रोबेबिलिटी का, क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी बी यहां पे आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यहां पे आ गया। अब देखो अभी होता किसके बराबर है, जो हमारे पास एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू एस प्लस आर गिवन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू आर, ओके, तो इट्स अ मेमोरी लेस प्रॉपर्टी। प्रूव कराने की जरूरत है, प्रूव करा देंगे कि कर लोगे। कर लोगे ना प्रूफ, तो किताबों में प्रूफ मिल जाता है इसके, इतना उसे परेशान मत होना। या फिर तुम लोगों को कराना तो कोई एक बता दो कि सर कराना ही कराना है, बाद बाकी मैं एक पढ़ा हुआ तो कोई इतना टफ नहीं है। ओके, तो फुल, चलो मूव करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल, और एग्जांपल नंबर 6, नंबर मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ सीरीज से, तुम लोग खुद डाल लेना, बस मैं एक तरीके से कुछ सारे एग्जांपल कर दे रहा हूँ जितना भी है। लेट एक्स हैज लॉगरिथमिक सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, लॉगरिथमिक सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, देन देन फाइंड द पीजीएफ, फाइंड द पीजीएफ ऑक्स, ओके। अब हम एक चीज यहां पर तुम लोगों को बताऊंगे, थर्ड ईयर वालों ने यही गलतियां की थी, तुम लोग ये गलती मत करना। लॉगरिथमिक सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तुम लोगों को रिमेम्बर होना चाहिए, एग्जाम में जरूरी नहीं है वो पीडीएफ पीएमएफ तुम्हें देगा, सिर्फ ऐसी लाइन भी लिख सकता है कि इफ लेट एक्स हैज द लॉगरिथमिक सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड द पीजीएफ एंड ऑब्टेन द मीन एंड वेरियंस ऑल्सो, ओके। तो यू शुड रिमेम्बर व्हाट इज द लॉगरिथमिक सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारी सीरीज ऐसी होती है, फिबोनाची सीरीज होती है, अभी हम आगे कराएंगे
कि फिबोनिक सीरीज का हम कैसे निकालते हैं, तो उसको भी तुम लोगों को रिमेम्बर होना चाहिए कि व्हाट इज द फिबोनिक सीरीज। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जरूरी है एग्जाम में, यहाँ पे तो हम लिख देंगे, पर जरूरी है एग्जाम में लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आ गया था कि इन्होंने फिबोनिक सीरीज का वो पूछा था मीन एंड वेरियंस, तो बच्चे फिबोनिक सीरीज बना ही नहीं पा रहे थे कि फिबोनिक सीरीज होती क्या है। तो इसलिए तुम लोगों को याद कर लेना कि फिबोनिक सीरीज कैसे बनाते हैं और क्या होती है, ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे तो लिख दे रहा हूँ जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसका, बट एग्जाम में जरूरी नहीं तुम लोगों से कि वो एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल टू के अल्फा क्यू की पावर के अपॉन के, वेयर के गोज टू 1, 2 डॉट डॉट डॉट, एंड वेयर अल्फा इजिकल टू -1 अपॉन लॉग पी, अल्फा इजिकल टू -1 अपॉन लॉग पी, ओके। एंड वही सेम कंडीशन 0 से पी क्यू लेस देन 1, ओके। तो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पीजीएफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीजीएफ ऑफ एक्स क्या होगा, पी एस इज इक्वल टू समीशन के गोज टू 1 to इन्फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एस टू दी पावर के। हमने के 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वैसे यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके लिए मैंने स्पेशली के इजिकल टू 1 से रख दिया, क्योंकि यहाँ 1 से ही रनिंग है सीरीज, ओके। तो पी एक्स इजिकल टू के की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो नाउ पुट द वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इजिकल टू के, सो सम ओवर के गोज टू 1 to इनफाइनाइट अल्फा क्यू की पावर के अपॉन पी इंटू एस टू दी पावर के, ओके। अब देखो अल्फा तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी यहां पे हमने पी लिखा था के लिखा था, यहां पे के है पी नहीं है, ओके। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे अपॉन में के आएगा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा को तो हम बाहर निकाल सकते हैं। तो टेक अल्फा आउटसाइड द समीशन, के इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी एस क्यू की पावर होल क्या हो जाएगा, के अपॉन के। तो यहां से अगर देखोगे अल्फा, अब ये सीरीज कौन सी बनेगी, एस क्यू प्लस एस क्यू की पावर 2 अपॉन 2 प्लस एस क्यू की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। तो इट इज इक्वल टू, कौन बताएगा, हाँ तो माइनस अल्फा लॉग 1 माइनस एक्स की सीधे, तो 1 माइनस एक्स की सीधे क्या है हमारे पास, एस क्यू, क्लियर। ये माइनस लॉग एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, अल्फा लॉग 1 माइनस एक्स, एक्स की हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग एस क्यू एज अ एक्स, तो 1 माइनस के क्यू एस, क्लियर। अब देखो अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, माइनस 1 अपॉन लॉग पी, और हम कैसे लिख सकते हैं,
माइनस वन अपॉन लॉग वन माइनस के क्यू लिख सकते हैं ना. तो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये इट इज इक्वल टू लॉग वन माइनस के एस क्यू अपॉन लॉग वन माइनस के क्यू. दिस इज द पी एस ऑफ लॉगरिथमिक सीरीज. ओके, तो अगेन फॉर दिस अगेन फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डैश वन, वेयर पी एस इज इक्वल टू लॉग वन माइनस क्यू एस अपॉन वन लॉग वन माइनस के क्यू. देखो डेरिवेटिव करोगे तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स. तो इट मीन्स वन अपॉन वन माइनस के क्यू एस इंटू में लॉग वन माइनस के क्यू. अगेन इसका करोगे तो माइनस के क्यू. ओके, अब देखो इसको यहाँ पे एस इजिकल टू क्या पुट करना है, पुट एस इजिकल टू वन एंड अल्फा की वैल्यू में पता है माइनस वन अपॉन लॉग वन माइनस के क्यू. तो ये माइनस वाला टर्म और ये इट विल बी अल्फा, तो अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस के क्यू एस. बट नाउ अगेन पुट एस इजिकल टू वन, तो सो इट इज अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस क्यू. तो द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इजिकल टू अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस क्यू. ओके, अगर सेम आप इसका डबल वाला डेरिवेटिव करोगे इस टर्म का विदाउट पुटिंग एस, तो ये क्या जाएगा, देखो पी डबल डैश वन की वैल्यू निकालो, सॉरी पी डैश वन हमारे पास क्या है, पी डैश एस क्या है हमारे पास, अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस के क्यू एस. तो पी डबल डैश एस क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कोई तो बताओ, सिंपली है अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस क्यू एस का होल स्क्वायर. बट पुट एस इजिकल टू वन, सो पी डबल डैश वन इजिकल टू अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस के क्यू स्क्वायर. हाउ टू ऑब्टेन दिस, डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 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 अल्फा क्यू, एक क्यू से क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ये नेगेटिव एक बार आएगा तो नेगेटिव अगेन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. अगेन वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश वन प्लस पी डैश वन माइनस के पी डैश वन का होल स्क्वायर. अब हमारे पास सारे वैल्यू रख दो, इट इज अल्फा क्यू स्क्वायर अपॉन वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस का क्यू और अल्फा क्यू अपॉन वन माइनस क्यू का होल स्क्वायर. क्लियरली, आगे देखो ये क्या हो जाएगा. तो वेरिएंस ऑफ एक्स जब सिंपलीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा अल्फा क्यू वन माइनस के अल्फा क्यू
अपॉन 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर. दिस इज द वेरियंस ऑफ एक्स, वेयर एक्स हैज द लॉगरिथमिक सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 7. फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन of the Fibonacci series Fibonacci number भी बोल सकते हो, Fibonacci number भी कहते हैं, Fn, defined by Fn is equal to Fn minus 1 plus Fn minus 2, where n greater than equal to 2 and F naught is equal to 0 and F1 is equal to 1. Okay? तो आप सब लोगों को ये Fibonacci number या Fibonacci series जो भी लिख याद रखना पड़ेगा कि एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वेयर एन एन माइनस वन एन टू आर द सफिक्स ऑफ एफ, सफिक्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, वेयर एफ नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड एफ वन इज इक्वल टू वन. सो सॉल्यूशन पे बढ़ते हैं. अगर एफ के करस्पॉन्डिंग हम अगर डिफाइन करोगे जनरेटिंग फंक्शन तो क्या होगा, एफ एस इज इक्वल टू एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी, ओके, एफ एन एस टू द पावर एन. ओके, तो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एफ, लिख सकते हैं ना. क्लियर, अगर तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सीरीज देखो कहाँ से रनिंग हो रही है, टू से हो रही है, तो क्यों ना इसको हम टू से बनाएं. तो इसको हम अगर फर्स्ट टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एफ नॉट, सेकंड टर्म क्या जाएगा, एफ वन एस, थर्ड टर्म क्या जाएगा, एन गोज टू 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 इन्फिनिटी, एफ एन एस टू द पावर एन. क्लियर, क्लियर हो गया ना यहाँ तक. कुछ नहीं किया हमने, एफ एस जो एफ एस लिखे थे, एफ एस इज इक्वल टू सम ओवर एन गोज टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ एन एस टू दी पावर एन. अगर इसको हम ऐसे ब्रेक कर दें लाइक दिस, पुट एन इज इक्वल टू जीरो, तो एफ नॉट एस टू दी पावर जीरो इज वन, प्लस पुट एन इज इक्वल टू वन, तो एफ वन एस की पावर वन इज एस, प्लस इसको यहाँ से सेम रहने दें, एन इज इक्वल टू टू इन्फिनिटी एफ एन एस टू दी पावर एन. ओके, यहाँ तक नोट आउट. अब इसकी वैल्यू तुम्हें एफ एन की एन गोज टू से पता हुआ, पता है कहाँ से जाती है, जब हमारे पास ये एफ एन इज इक्वल टू क्या है, वेयर एफ एन इज इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू वेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू. तो इस एफ एन की जगह हम एन विल बी रिप्लेस बाई दिस एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू. सो अब देखो एफ नॉट की वैल्यू क्या की बना है,
f naught is equal to 0 और f1 is equal to 1, it is given, okay? तो value रख दो तो 0 हो जाएगा, तो यहां से s हो जाएगा क्यों, f1 की value 1 हो जाएगी plus, okay? n goes to 0 to infinite, sorry, n is goes to equal to 2 to infinite, okay? f n minus 1 plus f n minus 2 into s to the power n. क्लियर? इसे और ब्रेक कर सकते हो, कैसे? अब देखो s प्लस n गोज टू 2 टू इन्फिनिटी f n माइनस के 1 s टू द पावर n, ओके, प्लस समीशन n गोज टू 2 टू इन्फिनाइट n माइनस 2 s टू द पावर n. क्लियरली यहां तक तो नो डाउट, ऐसे मैंने कुछ नहीं, इसको समीशन के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो हमारे पास क्या है, वी हैव s प्लस s समीशन n गोज टू 2 टू इन्फिनाइट f n माइनस 1 s टू द पावर n माइनस 1 प्लस s स्क्वायर n गोज टू 2 टू इन्फिनाइट f n माइनस 2 s टू द पावर n माइनस 2. क्लियर? अब देखो हमने कुछ नहीं किया है, जो लास्ट पेज पे था वहां से एक से s s कॉमन लिया हुआ है यहां से, और यहां से हमने क्या कॉमन लिया हुआ है, s स्क्वायर, ओके? जो प्रीवियस स्टेप था उससे हमने एक में से s कॉमन ले लिया, इसमें से s स्क्वायर कॉमन लिया. अब देखो ये दोनों हमारे पास क्या बन जाएंगे, fs. तो नाउ वी राइट दिस इक्वेशन एज 1 प्लस s fs प्लस s स्क्वायर fs, और राइट लेफ्ट हैंड से क्या था, एक fs ऑलरेडी हम लिख के चल रहे थे. क्लियर? सो fs, सॉरी fs माइनस के s fs माइनस के एस स्क्वायर एफ एस, ओके? तो यहां पे हम क्या लिख, सॉरी एस स्क्वायर, एस स्क्वायर, ठीक है ना? और आर एच एस हमारे पास क्या रहा, इट्स नथिंग, इट्स ओनली एस, ठीक है? तो एफ एस टेक कॉमन, हमने क्या किया, ये टर्म वाला और ये टर्म इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, एक एफ एस था ही, तो यहाँ पे होल टर्म से हमें क्या मिल जाएगा, एफ एस टेक एज अ कॉमन रिमेन्स 1 माइनस एस माइनस के एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस. So, fs is equal to s upon 1 minus k s square, sorry, minus s. 1 minus k s square, और यहां पे minus क्या? Clear? तो जो फिबोनाची नंबर सीरीज होता है, उसका जो PGF होता है, इट इज़ द पी जी एफ ऑफ फिबोनाची नंबर
series. Clear?